हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द क्लासेस टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग फूड एक्सचेंज सिस्टम डाइटरी फाइबर एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रेट वैल्यू फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग फूड एक्सचेंज सिस्टम फूड एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है फूड एक्सचेंज वर क्रिएटेड बाय द अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन इन 1950 फूड एक्सचेंज सिस्टम जो है इसको अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन ने 1950 में क्रिएट किया इन कॉर्डिनेशन विद द अमेरिकन डायबर्टिक एसोशिएशन एंड द यू एस पब्लिक हेल्थ सर्विस किसके कॉर्डिनेशन में इसको क्रिएट किया गया इसको अमेरिकन डायबर्टिक एसोशिएशन के और यू एस पब्लिक हेल्थ सर्विस के कॉर्डिनेशन में दोनों का एसोशिएशन था उसके एसोसिएशन में इनको कॉर्डिनेट किया गया इनको क्रिएट किया गया इट इज़ इस्टबलिस्ड गाइडलाइंस टू हेल्प टारगेट इशू विद इन द अमेरिकन ईटिंग हैबिट्स इसको क्यों क्रिएट किया गया था क्योंकि ये जो हमारा अमेरिकन ईटिंग हैबिट्स थी उसके जो इशूज़ आते थे उसको मेनली इसमें टारगेट किया गया इट वॉज़ अगेन रिवाइज्ड एंड रिपब्लिस इन टू थाउजेंड थर्टीन इसको टू थाउजेंड थर्टीन के अंदर में इसको फिर से रिवाइज किया गया और इसको रिपब्लिस किया गया नेक्स्ट

के साथ में एक्सचेंज कर दिया जाता है जब हम कोई भी चीज़ का मील प्लानिंग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एक कार्बोहाइड्रेट uh, का कोई भी चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रेड है ब्रेड का कार्बोहाइड्रेट जो है वो फिफ्टी किलो कैलरीज रखती है और अगर हमें इसको सेम अमाउंट में एक्सचेंज करना है तो हम वहाँ पे कोई भी चपाती काइंड kind ऑफ of चीज़ ऐड कर सकते हैं जिसकी सेम न्यूट्रिटिव वैल्यू हो एंड यू इंड अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ़ कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या होगा दोनों चीज़ का सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा तो ऐज़ ए सब्सटीट्यूट हम उस दूसरी चीज़ को ऐड कर सकते हैं वन कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज इक्वल टू फिफ्टीन ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या होता है जो वन कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज कितना होता है वो इक्वल टू फिफ्टीन ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब अगर हम किसी का सब्सिट्यूट को ऐड कर रहे हैं तो हमने उसकी इक्वल वैल्यू फिफ्टीन ग्राम के कार्बोहाइड्रेट से सेम अमाउंट का जो भी होगा उसका भी कितना होगा फिफ्टीन ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा उससे हम एक्सचेंज कर देंगे नेक्स्ट वन मीनिंग ऑफ द फूड एक्सचेंज सिस्टम मीनिंग क्या है फूड एक्सचेंज सिस्टम की एक्सचेंज सिंपली मीन टाइप ऑफ फ़ूड दैट कैन बी सब्सिट्यूटेड विद अनदर आइटम विद इन द सेम कैटेगरी इसमें क्या कर दिया जाता है एक टाइप का फूड दूसरे टाइप के फूड से जो कि बिल्कुल एज ए सब्सिट्यूट वैल्यू बिल्कुल सेम रखता है जिसकी वैल्यू बिल्कुल सेम है उससे एक्सचेंज कर दिया जाता है द कैटेगरीज आर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इसमें कोई भी कैटेगरी हो सकती है हम किसी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट से कर सकते हैं प्रोटीन प्रोटीन से एक्सचेंज कर सकते हैं फैट को फैट से डेरी फ्रूट्स को डेरी फ्रूट्स से एंड वेजिटेबल्स जो है उनको तो उसके अकॉर्डिंग उनको एक्सचेंज कर दिया जाता है जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है फॉर एग्जांपल प्रोटीन जो है अगर हमें स्प्राउट्स में सेम प्रोटीन मिल रही है अगर हम टाइम अगर स्प्राउट्स की जगह हम ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स सिलेक्ट करेंगे जिसमें अकॉर्डिंग टू स्प्राउट्स जो होगी सेम न्यूट्रिटिव वैल्यू मिल रही होगी तो उसके एज ए सब्सिट्यूट हम उसको यूज़ कर लेते हैं नेक्स्ट वन द फूड एक्सचेंज सिस्टम इंक्लूड सिक्स ग्रुप ऑफ़ फ़ूड ईच ग्रुप ऑफ़ फ़ूड आर प्लेस्ड इन ए फूड एक्सचेंज लिस्ट द फूड एक्सचेंज लिस्ट आर इसमें क्या है जो फूड एक्सचेंज सिस्टम होता है इसके सिक्स ग्रुप होते हैं क्या क्या आते हैं इसमें जो इसमें क्या करा जाता है फ्रूट में फ्रूट को एक्सचेंज कर सकते हैं वेजिटेबल में वेजिटेबल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं ऐसे जो भी चीज़ें फ्रूट ग्रुप्स में आती हैं उसमें जो भी फूड आएंगे उनको एज प्लेस उनके एक्सचेंज किया जा सकता है जैसे क्या क्या लिस्ट में आते हैं इसके जो सिक्स जो कॉमन ग्रुप्स हैं इसमें क्या आएंगे फ्रूट्स में जितने भी टाइप के फ्रूट्स होते हैं वो आते हैं ठीक है वेजिटेबल्स आती हैं जो भी वेजिटेबल्स होंगी वो आएँगे इसमें मिल्क होता है मिल्क प्रोडक्ट जो भी होगा इसमें मिल्क प्रोडक्ट आएंगे स्टार्चेज आएंगे फैट आता है मीट्स आता है एंड मीट सब्सटीट्यूट कैटेगरी इसमें सारी ये सारे जो सिक्स सेवन आइटम्स हैं ये सारे फूड एक्सचेंज लिस्ट में आते हैं इनको एक दूसरे से एक्सचेंज किया जा सकता है नेक्स्ट पर्पज ऑफ द फूड एक्सचेंज सिस्टम फूड एक्सचेंज सिस्टम का क्या परपज होता है इट इज यूज़र फ्रेंडली टूल विच वॉज डेवलप टू हेल्प इंडिविजुअल टू हेल्प ईटिंग हेल्पिंग इसमें जो यूजर फ्रेंडली होता है ये टूल क्यों यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें ये इंडिविजुअल की हेल्प कर सके उनकी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने में कभी कभी क्या होता है एक फूड खाते खाते बोर हो जाते हैं तो उसको दूसरे फूड से एक्सचेंज कर दिया जाता है ठीक है एंड फॉलो ए स्पेसिफिक डाइट प्लान और जो इंडिविजुअल है वो अपना एक स्पेसिफिकली डाइट प्लान फॉलो कर सके इसलिए उसको एक्सचेंज किया जाता है दिस में भी हेल्पफुल सप्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी वैन हेल्पिंग पेशेंट प्रिवेंट और मैनेज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डैट आर अफेक्टेड बाई डाइट स्पेशली दोज विथ डायबिटीज इसमें क्या किया जाता है जैसे किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो गई ठीक है तो वो वो फूड जो है उससे फॉर एग्जाम्पल वो एलर्जिक है किसी फूड से तो एज ए सब्सटीट्यूट हम क्या करेंगे दूसरा फूड जो होगा उसकी डाइट में एड कर देंगे और उससे हम उसको प्रिवेंट भी कर सकेंगे ठीक है जैसे डायबिटिक पर्सन है डायबिट परसेंट जो है वो किसी चीज़ को खाने से उसको मना किया गया है जिसमें मोर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज वाले उसको हम क्या कर देंगे साइड में कर देंगे और उसके एज ए सब्सिट्यूट हम उसकी डाइट में कोई और चीज़ हम ऐड कर देंगे नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्या है हमारा डाइट्री फाइबर डाइट्री फाइबर्स क्या होते हैं डाइट्री फाइबर आल्सो नोन एज रफेज़ और बल्क डाइट्री फाइबर को हम रफेज़ भी बोलते हैं और बल्कि भी बोलते हैं क्योंकि ये डाइट में बल्क अमाउंट ऑफ ऐड करते हैं इंक्लूड द पार्ट ऑफ प्लांट फूड योर बॉडी कैंड डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब ये क्या होते हैं हमारे प्लांट फूड्स होते हैं बट हमारी बॉडी क्या करती है इनको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है अनलाइ अदर फूड कंपोनेंट सचेज फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट विच योर बॉडी ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्व जैसे कि अदर फूड जो होते हैं जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया प्रोटीन लिया फैट लिया तो हमारी बॉडी उसको क्या करेगी ब्रेक डाउन करके उनको एब्जॉर्व कर लेती है फाइबर इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय योर बॉडी जो फाइबर्स होते हैं हमारी बॉडी से ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं इंस्टीड इट पासिस रिलेटिवली इंटैक्ट थ्रू योर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलाउन एंड आउट ऑफ योर बॉडी फिर भी ये क्या करते हैं हमारा जो स्टमक को क्रॉस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को भी क्रॉस करके और कोलॉन से ये जाके रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी में फीकेस के थ्रू ये निकल जाता है नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ फाइबर टाइप्स ऑफ फाइबर क्या है फाइबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं कौन कौन से सोल्यूबर फाइबर एंड इन सोल्यूबल फाइबर सोल्यूबल फाइबर्स में क्या आता है दिस टाइप ऑफ फाइबर डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म ए जेल लाइक मटेरियल इस टाइप के फाइबर जो होते हैं ये हमारे वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं जेल लाइक मटेरियल बन जाते हैं इट कैन हेल्प लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लूकोज लेवल ये क्या कर हेल्प करते हैं हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है और ग्लूकोज लेवल होता है उसको ये डाउन करने में हमारा हेल्प करते हैं सोल्यूबल फ़ाइबर इज़ फाउंड इन ओट्स पीज बीन्स एप्पल सिट्रस फ्रूट्स कैरट्स बार्ले एंड द सालीरियम इसमें क्या होता है सोल्यूबल फ़ाइबर जो होते हैं किस किस में मिलेंगे इन सारी चीज़ों में जो ओट्स हो गया पीज हो गया एप्पल सिट्रस फ्रूट्स इन सारी चीज़ों में जो होते हैं वो सोल्यूबल फ़ाइबर मिलते हैं ये सारे चीज़ में जो सोल्यूबल फ़ाइबर मिलते हैं वो जाके वाटर में डिजॉल्व हो जाता है नेक्स्ट वन इंसॉल्यूबल फाइबर इंसॉल्यूबल फाइबर क्या है दिस टाइप ऑफ फाइबर प्रमोट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंक्रीज स्टूल बल्कि ये क्या करते हैं हमारा मूवमेंट कराना जो फूड का है वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर सके इसलिए हमारे ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं और जो फूड होता है उसमें क्या ऐड करते, है? करते हैं बल्क ऐड करते हैं सो इट कैन बी बेनिफिट टू दोज हु आर स्ट्रगल विथ कॉन्स्टिपेशन एंड इरेगुलर स्टूल ये क्या करते हैं ये जो फाइबर्स होंगे इंसॉल्यूबल फाइबर्स ये क्या करते हैं जो जिसको भी स्ट्रगल हो रहा होता है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है किसी को भी इरेगुलर स्टूल पैट हो रखा उसमें ये जाके बंदे की ये हेल्प करेंगे होल वीट फ्लोर वीट ब्रांड नट्स बीन्स एंड वेजिटेबल्स सचेज कॉलीफ्लावर ग्रीन बीन्स एंड पोटैटोज गुड सोर्स ऑफ इन्सोल्यूबल फाइबर होल वीट ये ग्रैंड फ्लोर हो गया ब्रांड हो गया नट्स हो गया बीस हो गया कॉलीफ्लावर ग्रीन वीट ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स ये जो सारे हो गए ये सारे क्या है इन्सोल्यूबल फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है ये क्या करते हैं ये जाके बल्क ऐड करते हैं हमारी डाइट में बल्क ऐड करेंगे साथ साथ में ये हमारे रोज़ का जो भी फूड हमने लिया होगा उसका मूवमेंट कराने में पैरास्टल्टिक मूवमेंट कराने में उसका हेल्प करते हैं और ये क्या करते हैं जो पाथ भी होता है डाइजेस्टिव सिस्टम उसको क्लियर करते हैं और ये स्टूल के थ्रू होकर ये पास आउट हो जाते हैं और हमारा जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो हो रहा है किसी का इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स की वजह से उसको इरेगुलर स्टूल हो रहा है तो उसमें भी ये जाके हेल्प करते हैं और जो ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसको क्लीन आउट करने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट वन फंक्शंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ द फाइबर्स डाइट्री फाइबर्स के क्या फंक्शंस एंड बेनिफिट्स होते हैं नॉर्मलाइज बॉबल मूवमेंट ये बॉबल मूवमेंट को नॉर्मलाइज कर देते हैं हेल्प मेंटेन बॉबल हेल्थ बॉबल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं क्योंकि अगर क्लीनिंग वगैरह का जो डाइजेस्टिव पाथवे का क्लीनिंग का नीड है तो ये अगर किसी को रेगुलर बॉबल हैबिट हो रखे तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं कोलेस्ट्रॉल uh, लेवल को ये डिक्रीज करके रखते हैं हेल्प कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल ब्लड शुगर लेवल को भी ये मेंटेन करके रख हैं कैसे मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि ये क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं कुछ फाइबर और ये क्या करेंगे हमारा जो जो स्टूल का से जो निकलना होता है खाने का स्टूल से पास होना होता है जो एक्सेसिव चीज होती है उसको पास आउट करा देते हैं इसकी वजह से शुगर लेवल जो होता है मेंटेन बना रहता है ऐसे साथ में ये वही, भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी मेनटेन कराते हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसे मेंटेन कराते हैं क्योंकि ये जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट जो हमने लिया है उसको क्या करा देते हैं हमारे स्टूल के थ्रू उसको रिमूव मूवआउट करा देते हैं एट्स इन अचीविंग हेल्दी वेट हमारा हेल्दी वेट को अचीव करने में ये हमारी हेल्प करते हैं हेल्प यू लिव लॉन्गर हमारी जो लाइफ है वो लंबी हो जाए और हम किसी डिजीज़ से जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज कंडीशंस हैं हमारे कार्डियोस्कुलर से रिलेटेड डिजीज कंडीशन है उसे सफ़र ना करें जिससे हमारी लाइफ जो होती है डाइट्री फाइबर अगर हम ले रहे हैं तो वो लॉन्ग हो जाते हैं नेक्स्ट वन डाइट्री रिक्वायरमेंट कितना होता है डायट्री फाइबर्स का मेल पर्सन जो है उसको अगर वो बिलो फिफ़्टी एज का है तो वो थर्टी एट ग्राम्स होगा उसको रिक्वायर होगा डायट्री फाइबर अगर वो फिफ्टी वन एज का है तो फिर उसको थर्टी ग्राम अंदर डेली डाइट उसको रिक्वायड होगा अगर वहीं वो फ़ीमेल है अगर वो बिलो फिफ़्टी एज़ है तो उसको ट्वेंटी फाइव ग्राम्स डाइट्री फाइवर देंगे अगर वो फिफ्टी वन एज से अवअप हो रखी है तो उसको ट्वेंटी वन ग्राम्स ऑफ डाइट्री फाइबर्स देंगे नेक्स्ट वन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ़ फूड क्या होती है न्यूट्रिशनल वैल्यू और न्यूट्रिटिव वैल्यू एज पार्ट ऑफ फूड क्वालिटी न्यूट्रिटिव वैल्यू और न्यूट्रिटिव जो वैल्यू है ये हमारा क्या है फूड uh, पार्ट का होती है जो फूड क्वालिटी में हम खाना जितना ले रहे हैं उतना खाना हमें प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है और जो हम इक्वल अमाउंट ऑफ चीज़ें ले रहे हैं जो हमारे हेल्प करते हैं मतलब हम प्रोटीन जो है सफ़िशेंट uh, अमाउंट में ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट जो है हम सफिशियंट अमाउंट में ले रहे हैं जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है और साथ में ही हम फैट भी है वो सफिशियंट अमाउंट में ले रहे हैं तो ये न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ़ फूड ये क्या बताएगी हमें कि हम ये सारी चीज़ें जो है है, वो इक्वल अमाउंट में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं कि हमें कोई भी डिजीज कंडीशन या फिर उसका एक्सेसिवनेस की वजह से या फिर उसके लेकिंग की वजह से हमें कोई डिजीज से सफर करना है तो अगर इसमें हम क्या करेंगे न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड में जो फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है उसको हम काउंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना डाइट प्लान करवाते हैं इट इज़ द मेजर ऑफ बैल बैलेंस रेशियो of the essential nutrient carbohydrates फैट प्रोटीन मिनरल्स एंड विटामिन इन आइटम्स ऑफ फूड ये क्या होता है ये हमारा वेल बैलेंस रेशियो होता है कि हम सारी चीज़ें जो हैं वो इक्वल अमाउंट में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स सफिशियंट अमाउंट में ले रहे हैं फैट जो है सफिशियंट अमाउंट में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं प्रोटीन मिनरल विटामिन जो भी आइटम्स होते हैं फूड को उनको इक्वल अमाउंट में वेल बैलेंस डाइट में ले रहे हैं कि नहीं है जितना उनका रेशियो रिक्वायर्ड हो रहा है उतना ले रहे हैं कि नहीं वो न्यूट्रिटिव वैल्यू हमको नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ द न्यूट्रिटिव वैल्यू हम न्यूट्रिटिव वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारा जो इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड होता है और कितना रिक्वायर्ड होता है इसमें हम ये सारी चीजें पता करते हैं प्रोडक्ट इज़ मेड अप ऑफ जो हमारा खाने का जो भी प्रोडक्ट होता है जो भी हम खाना खाते हैं वो कैसे करके हम क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट वन क्या है जो प्रोडक्ट बनता है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट जो होता है वो ए इंग्रेडिएंट से बनता है और सेवेंटी फाइव परसेंट जो होता है बी इंग्रेडिएंट से बनता है मतलब जो हम खाना ले रहे हैं वो ट्वेंटी फाइव परसेंट जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है ए इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और जो सेवेंटी फाइव परसेंट है वो बी इन्ग्रेडिएट्स से बना हुआ है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ए कंटेन टेन परसेंट फैट एंड फिफ्टी परसेंट कार्बोहाइड्रेट जो इंग्रेडिएंट ए की बात करें तो वो क्या करता है टेन परसेंट जो होता है वो फैट को कंटेन करता है और बाकी जो फिफ्टी परसेंट है वो कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करता है और जो इंग्रेडिएंट बी है वो सेवन परसेंट प्रोटीन को कंटेन करता है ठीक है इंग्रेडिएंट बी कितना था हमारा सेवेंटी फाइव परसेंट और इंग्रेडिएंट जो ए था वो कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंट इसी के अकॉर्डिंग जो होता है वो फॉर्मूला सेट होता है नेक्स्ट सुन द ओवरऑल कंपोजिशन विल भी अगर हम फैट की बात करें तो हमारा फैट जो था वो कितना था हमारा हमारा फैट था वो कितना था टेन परसेंट जो है ये कितना रहेगा हमारा फैट रहेगा ठीक है तो अगर इसमें अगर हमारा टेन परसेंट जो है वो फैट है तो टेन को किससे डिवाइड करेंगे हंड्रेड से और ये इसका इंग्रेडिएंट ए में कितना पार्ट था ये हमारा जो पार्ट था वो ट्वेंटी फाइव परसेंट पार्ट था तो इसको हमने मल्टीप्लाई वाई किससे किया ट्वेंटी फाइव से तो कितना आएगा हमारा टू पॉइंट फाइव परसेंट जो होता है वो फेट रिक्वायर्ड है अगर हम बैल बैलेंस डाइट की बात करें नेक्स्ट वन अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट हमारा जो रिक्वायर्ड था वो कितना रिक्वायर्ड था फिफ्टी परसेंट और ये जो पार्ट था वो कितना था ये ट्वेंटी फाइव परसेंट इन्ग्रीडियंट का पार्ट था ठीक है तो ये जो कार्बोहाइड्रेट हम कंसिस्ट करते हैं हमारी डाइट में वो कितना होता है ट्वेल्व फाइव फाइव परसेंट नेक्स्ट वन हमारा प्रोटीन जो है प्रोटीन कितना पार्ट था सेवन पार्ट था ठीक है और अगर इसका हम मेन अमाउंट का देखें तो ये इंग्रेडिएंट कितना था उसका सेवेंटी फाइव परसेंट जो प्रोटीन का पार्ट होगा वो कितना होगा फिर फाइव पॉइंट टू फाइव परसेंट ये हमारा जो कैलकुलेशन मैथड होता है इसको हम किससे डिवाइड करते हैं जो भी पार्ट होगा उसके इन्ग्रीडियंट के हंड्रेड से उसको डिवाइड कर देते हैं